नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज अपने चार दिवसीय कुमाऊं दौरे पर हल्द्वानी के रामलीला मैदान में करेंगे जनसभा। बैलेश्वर अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते जनप्रतिनिधियों ने भरी आर पार की हुंकार। रामनगर वन प्रभाग के कालाडूंगी वन रेंज के अंतर्गत हाथी का शव मिलने से मचा हड़कंप। उत्तरकाशी में भालू ने किया युवक पर जानलेवा हमला, युवक एम्स में भर्ती। रुड़की चकबंदी ऑफिस में आत्मदाह करने पहुंचे बीजेपी नेता जगजीवन राम, पुलिस को देख पेड़ पर चढ़े। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए समाज सेवी गणेश चंद्र ने पौड़ी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पौड़ी के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए गणेश चंद्र ने कहा कि वे पौड़ी की विकास को सुनिश्चित करने के लिए राजनीति में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें पौड़ी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारती है तो वे ये सीट जीतकर बीजेपी की झोली में डाल देंगे। ये होगी, ये विकास पहली प्राथमिकता है जिसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि इसको पर्यटन को बढ़ावा देना पड़ेगा, पौड़ी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लाना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अभी बोला, कोऑपरेटिव सेक्टर में खेती को करना पड़ेगा, ये वो लाना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चों को रोज़गार मिले और हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़े। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र की ये जो है एक खाली पौड़ी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं है, क्योंकि 7 डिस्ट्रिक्ट का मंडल का ये मुख्यालय भी है, तो उस हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। और इसमें उसी तरह के जो है चाहे वो शासनिक हो या प्रशासनिक हो, उन सारी चीज़ों को इंटरेक्शन में करते हुए हर तरह के पहलू को देखते हुए इसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। 18 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा के वाहनों को रवाना करेंगे। हरिद्वार में भाजपा नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया, जेपी नड्डा 18 दिसंबर को जनसभा के बाद गढ़वाल मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर उत्तरकाशी तक जाएगी, उसके बाद कुमाऊं मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा शुरू होगी। ये संकल्प जो हमारी यात्रा है वो हरिद्वार से शुरू होगी, उत्तरकाशी में समाप्त हो गढ़वाल के। कुमाऊँ की हमारी भगवान बागनाथ के दर्शन करके बागेश्वर से शुरू होगी और खटीमा में समाप्त होगी। इस यात्रा की तैयारी के लिए आज हरिद्वार विधानसभा की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में एक बड़ी रोड शो हो, बड़ी तैयारी के साथ कार्यकर्ताओं में मैंने उत्साह देखा और वो हम आज कार्यकर्ता के उत्साह के आधार पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो। जबरदस्त एकदम कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी एकदम तुरंत देख रहे हैं, सामने क्या टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कार्यकर्ता लालायित है। क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? 2017 से बड़ी विजय। उत्तरकाशी जिले के डुंडा क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन और जागरूक लोगों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान, आबकारी अधिकारी ओम प्रकाश और उत्तरकाशी नव युवक संगठन धनारी द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें पिपली न्यू पिपली बग सारी धाती पटोरी खुली गाँव देवधार आदि में छापेमारी की गयी। आज हमारा कच्ची और पक्की शराब के खिलाफ पिपली बाजार बक्सारी न्यू पिपली हाथी पटोरी खोली गांव में प्रताप सिंह चौहान जी के नेतृत्व में तहसीलदार डुंडा और आबकारी अधिकारी डीओ साहब उत्तरकाशी के नेतृत्व में राजस्व पुलिस आदि में पक्की शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान किया गया। पिपली बाजार में संजू नाम के एक व्यक्ति के पास हमने 2 बोतल बरामद की, फिर काफ़ी लोग अभियुक्त भाग गए। अभी छापेमारी अभियान चलता रहेगा हमारा। बीच में हमारे यहाँ कच्ची का बहुत बड़ा प्रकोप रहा, वो आजकल 90% से ऊपर बंद है। एक जगह पटोड़ी में भादुलाल को हमने रंगे हाथ पकड़ लिया, तब तक अभियुक्त भाग गया। अभी हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जनपद टिहरी में लगातार नशे की रोकथाम और उस पर अंकुश लगाने के लिए तत्पर सीओ एसपी सकलानी ने घनसाली क्षेत्र का दौरा किया। थाना घनसाली पहुंचकर वो स्थानीय व्यापारियों और स्थानीय जनता से क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से रूबरू हुए। कार्यक्रम में घनसाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेंद्र डंगवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष शंकर पाल सजवाण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में मौजूद समस्याओं से सीओ को अवगत कराया और किस तरह से समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाया जाए इस पर विचार मंथन किए गए।
महोदय के नेतृत्व में लगातार हम लोग जो है नशे के विरुद्ध जो है कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि आपको पीछे भी पता होगा कि मालूम होगा कि 1 किलो 800 ग्राम चरस पकड़ी गई थी और हम अब भी इसमें जो है लगी हुई, हमारी टीमें लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल की चौथी गारंटी, हर महिला को 1000 रुपए की सम्मान राशि की घोषणा के बाद डोईवाला विधानसभा में प्रदेश प्रवक्ता राजू मौर्य और महिला मोर्चा विधानसभा उपाध्यक्ष आयशा खान ने महिलाओं को मिष्ठान वितरण कर उनको बधाई दी। इस मौके पर हर्रावाला चौक पर मिष्ठान वितरण किया गया। महिलाओं ने कहा कि केजरीवाल अकेले ऐसे नेता है जो आम आदमी के बारे में उसकी सुख और दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। रामनगर वन प्रभाग के कालाडूंगी वन रेंज के अंतर्गत निहाल तराई भावर वन के आरक्षित क्षेत्र 10 से 12 वर्ष के नर हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हाथी के मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई थी। वहीं कालाडूंगी रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अमित वासाकोटी ने बताया कि मृत हाथी का पोस्टमार्टम के बाद ही हाथी की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। हाँ जी, ये निहाल तराई भावर आरक्षित वन क्षेत्र से समीप लगता हुआ एक कैंप कॉर्बेट रिसोर्ट है, तो उसके परिसर में एक हाथी का मृत बॉडी की सूचना मिली थी। कल हमें शाम को हमारे विभाग द्वारा देखा गया मौके पर जाके, और आज इसका पोस्टमार्टम किया गया है। तो डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, डॉक्टर आयुष सुनियाल और डॉक्टर हिमांशु पांगती हमारे साथ हैं, तो उन्होंने बॉडी का जायजा लिया। आगे की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दी जा सकेगी, और मौत के कारणों का भी पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता किया जा सकेगा। ये नर हाथी का शव है और लगभग इसकी उम्र 8 से 10 वर्ष की रही है। रुड़की तहसील में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा नेता जगजीवन राम कल सुबह सवेरे तहसील स्थित पेड़ पर चढ़ गए। भाजपा नेता अपने साथ ज्वलनशील तेल सहित एक बैग अपने हाथों में लेकर पेड़ पर पिछले कई घंटों से बैठे हुए थे। भाजपा नेता का आरोप है कि चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर ये कदम उठाया गया है। जैसे ही ये सूचना तहसील प्रशासन को मिली तो पूरा प्रशासन हिल गया। आनन फानन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अंशुल सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और भाजपा नेता को पेड़ से नीचे उतारने की अपील लगातार की गई। थोड़ी देर बाद अधिकारियों के आश्वासन पर व्यक्ति पेड़ से नीचे उतर गया। उत्तरकाशी जनपद के डुंडा प्रखंड के औलिया गांव निवासी प्रदीप भट्ट अपनी छानियों से घर की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान पेड़ की आड़ में छिपे हुए भालू ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। भालू के हमले से युवक के सर में गंभीर चोटें आई है। घायल युवक को ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी पहुँचाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को एम्स रेफर कर दिया। सरोवर नगरी नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक कुलपति प्रोफेसर एन के जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। कुलपति प्रोफेसर जोशी ने बताया कि बैठक में सभी कार्य परिषद सदस्य मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न विषयों के 118 शोधार्थियों की बाह्य परीक्षकों द्वारा संस्तुत की गई। शोध उपाधि सूची का कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। कृषि और वन विज्ञान का नाम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री किए जाने के संबंध में परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ में 13 दिसंबर से शुरू एनसीसी कैंप का समापन हो गया। एनसीसी के एएनओ और राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ के शिक्षक मोहन चंद्र जोशी द्वारा बताया गया कि कोविड काल के पश्चात 2 वर्ष बाद इस कैंप का आयोजन हुआ है, जिससे कि बच्चों को ड्रिल, मैप रीडिंग सहित सेना की बेसिक चीजें सीखने को मिलती है। साथ ही कैंप में पढ़ाए जाने वाले सामाजिक हितों के पाठ से छात्र एक अच्छे नागरिक बन समुदाय में जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही भारतीय सेना का हिस्सा बनने को भी अग्रसर रहते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ में एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया था, जो कि 13 दिसंबर से इस कैंप की शुरुआत की गई थी और आज इस एनसीसी कैंप का समापन है। इस वक्त एनसीसी के एएनओ मोहन चंद जोशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानकारी लेंगे। पूरा कैंप किस विषय पर आधारित था और आज समापन है, सर आपसे जानकारी मैं लेना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें एनसीसी के कैडेट्स को ये प्रशिक्षण दिया जाता है और उसी क्रम में ये प्रशिक्षण विगत 13 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है और आज ये समापन है और ये फुल डे का प्रशिक्षण है। जबकि इनकी परेड होती थी 1 घंटे की या 1.5 घंटे की परेड होती थी, लेकिन ये फुल डे है। कोविड के बाद, बड़े 2 साल के बाद कैडेट्स को इस तरह की ट्रेनिंग करने का मौका मिला है और इस ट्रेनिंग के अंतर्गत बच्चों को जो बेसिक जानकारी है सेना की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके, उसमें ड्रिल से लेकर के मैप रीडिंग हुआ, जजिंग डिस्टेंस हुआ, ये सारी जानकारियां बच्चों को मिलती हैं और साथ ही जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का टॉपिक्स है उस पर भी बच्चों को जानकारी मिलती है, जिससे बच्चों में ये भावना आती है कि हम समुदाय में जा कर के लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को बता सकें भी ये चीज़ें क्या आवश्यक हैं क्या नहीं आवश्यक हैं।
और उसके साथ साथ बच्चों में जो अनुशासन और एकता का पाठ एनसीसी के द्वारा पढ़ाया जाता है और बच्चों के जीवन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ज़्यादातर जो हमारे कैडेट्स होते हैं इनकी इच्छा भी होती है कि हम एनसीसी के द्वारा सेना में जाने का हमको मौका मिले और हम अपने देश की सेवा कर सकें, जिससे हम एक अच्छे नागरिक के रूप में और अच्छे देशभक्त के रूप में अपने देश को बहुत गहराई से पहचान सकें, इसकी संस्कृति की, इसकी जो इसकी विविधता में एकता का स्वरूप है उसको अपना सकें, यही इसका ट्रेनिंग का मोटो है। थैंक यू। तो इस वक्त युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा है और इनसे भी जानकारी लेंगे किस तरीके का अनुभव रहा। तो किस तरीके का जो है कैंप का आपका अनुभव रहा था? ये बहुत अच्छा अनुभव रहा क्योंकि जो दो वर्ष कोविड के बाद हमें एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है इस कैंप करने की। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, फील्ड क्राफ्ट, बटर क्राफ्ट, पर्सनैलिटी डिजास्टर मैं और क्या बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें। सुबह में वेपन ट्रेनिंग भी दी गई और जिसमें बहुत अच्छा है। इसमें हमें इन फ्यूचर जो बच्चे कैडेट्स आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा वो है, वो हम फील्ड बोल सकते हैं। इसमें हमें ABC सर्टिफिकेट से बहुत अच्छी वो मिलती है। तो जैसा कि आपने देखा कहीं ना कहीं सेना के लिए तैयार होते इन युवाओं को आप देख सकते हैं जो कि ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनकर लगातार अनेक अनुभव, खासे अनुभव यहाँ पर बटोर रहे हैं। और आपसे भी जानकारी लेना चाहूँगा किस तरीके का अनुभव रहा, क्या कुछ सीखने को? बहुत अच्छा अनुभव रहा। इसमें हमको ABC मिलता है जिससे हमको बहुत अच्छे अच्छे वो मिलते हैं और इसमें हमको ड्रिल्स सिखाए जाते हैं और क्या कहते हैं मैप रीडिंग सिखाई जाती है और इसमें बहुत अच्छा हथियारों की जानकारी सिखाई जाती है। इसमें बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहा। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं द्वारा जैसा बताया गया कि खासा अनुभव उनको मिला है यहाँ पर और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय सेना के लिए तैयार भी युवा इस वक्त हो रहे हैं जो कि ये ट्रेनिंग कैंप बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके लिए और इनके भविष्य के लिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भीमताल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन बोरा ने स्वराज आश्रम हल्द्वानी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नैनीताल सतीश नैनवाल को आवेदन सौंपा और भीमताल विधानसभा के लिए दावेदारी पेश की। मदन बोरा ने कहा कि 30-35 साल से कांग्रेस के लिए कड़ी मेहनत की है, हाईकमान जिसे भी टिकट देगा उसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे, सारे गिले शिकवे भुलाकर पार्टी के लिए काम करना होगा। आपको बता दें कि भीमताल विधानसभा में कई नाम सामने आए हैं, 13 नेताओं ने विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए अभी तक आवेदन कर चुके हैं। मन धन से उसके साथ लगेंगे, मैं अपना हक मांग रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। मैं कहता हूँ कम से कम 30-35 साल से मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है, कड़ी मेहनत की है, मैंने काम किए हैं कांग्रेस के लिए, भूखा रहा हूँ, प्यासा रहा हूँ, मैंने दिन रात मेहनत करी है, मेरा हक बनता है। मेरे पहले भी दिल्ली विधानसभा में 1998 में शीला दीक्षित जी की अध्यक्षता में मेरा स्क्रीनिंग कमेटी में नाम आया कांग्रेस कमेटी से, किसी कारण मुझे नहीं मिला। निगमों में कई बार मेरा चयन समिति तक मैं गया हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला। मेरी अपनी यहाँ दावेदारी है, मेरा हक बनता है कि कांग्रेस पार्टी मुझे यहाँ से दावेदार प्रस्तुत करे। आज मैंने अपने जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल जी को हिमता विधानसभा से अपनी दावेदारी की एप्लीकेशन सबमिट करी। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी पार्टी फोरम पर आवेदन करना चाहता है क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल संघर्ष किया है पार्टी के लिए, गांव गांव जाकर राज्य के अंदर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, जिससे लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, उसके खिलाफ जनता को एग्रेसिव करने का काम, जनता को जागरूक करने का काम हमारे साथियों ने किया, तो निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी, उनकी उनका अधिकार भी बनता है। इसलिए जनता की मांग को लेकर, जनता के संघर्ष के लिए वो लोग सम्मान में, कांग्रेस के सम्मान में मैदान में है, तो निश्चित तौर पर आवेदन कर सकते हैं। हम सभी साथियों का अपने स्वागत करते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक के बाद एक नए हैरतअंगेज मामले सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब एक नया अजीबोगरीब और उत्तराखंड में ऐसा पहला मामला सामने आया है जहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज तैनात DFO का 24 नवंबर को तबादला हो गया था, उनको देहरादून मुख्यालय तैनात कर दिया था। वहीं उनके स्थान पर प्रकाश चंद्र आर्य को कालागढ़ में स्थानांतरित किया गया था। तब से आज तक DFO किशन चंद्र ने ना ही नए DFO प्रकाश चंद्र को चार्ज दिया और ना ही अपना देहरादून में चार्ज लिया। वहीं अब नए DFO प्रकाश चंद्र आर्य कालागढ़ में चार्ज लेने के लिए चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं।
पर किसान चंद्र द्वारा उनको चार्ज नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज अवैध कटान और अवैध निर्माण के मामले में पहले से ही घिरी है। अब एक नया मामला आने से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज फिर सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 24 नवंबर को प्रदेश में IFS अफसरों के तबादले किए गए थे, जिनमें लगभग सभी अफसरों ने अपने अपने चार्ज ले लिए हैं। वहीं कालागढ़ के DFO द्वारा अपना चार्ज न दिए जाने पर कॉर्बेट पार्क फिर सुर्खियों में आ गया है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार भी इस पर कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए। उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह घोषित कर दिया है। जहां एक तरफ भाजपा और कांग्रेस अब चुनावी मूड में नजर आ रही है, तो स्थानीय पार्टी भी पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है। कल उत्तराखंड जनता पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह सिलेंडर घोषित किया है। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धने ने चुनाव चिन्ह का विमोचन किया और अपनी पार्टी के द्वारा लगभग 8 या 9 प्रत्याशी को उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर तो नेता वोट ले जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में अगर काम करने की बात आए तो विकास कहीं नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो मूल निवास मुख्य मुद्दा रहेगा। हम सब कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप मिला है और ये जनता को और कार्यकर्ताओं को समर्पित है और आज से कार्यकर्ता इसको लेकर जन जन तक अपने चुनाव चिन्ह को पहुंचाएगा और जो हमारी भावी रणनीति है उसको अमली जामा पहनाएगा। हम जितने भी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास आज हमारी एक पहचान, जो राजनीतिक दलों की एक अपनी पहचान होती है, वो पहचान भी हमको मिल चुकी है। इस पहचान को लेकर हम पूरे उत्तराखंड में इस चुनाव चिन्ह का जो परचम है वो लहराएंगे और हमारे जितने प्रत्याशी हम चुनाव लड़ाएंगे वो चुनाव जीत कर हमारी इस जो चुनाव चिन्ह है इसकी शान बढ़ाएंगे और जनता की सेवा में ये सिलेंडर का जो चुनाव चिन्ह है ये जन सुख के और जनता के सुख दुख में शामिल रहेगा और जनहित के मुद्दों को ऊपर रखते हुए ये काम करेगा। यही हमारी शक्ति है, ये हमारी कार्यकर्ताओं की शक्ति होगी। मंत्री जी, उजरपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हम कम से कम 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा हमको अगर कोई अनुकूल या सुयोग्य कोई प्रत्याशी मिलेगा तो हम उन सीटों पर विचार करेंगे। घनसाली और बाल गंगा तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में चलती बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता में आक्रोश व्याप्त है। सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों को निजीकरण में सौंपने के बाद पूरी उत्तराखंड में जगह जगह इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालेश्वर में अपनी सेवाएं दे रहे हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट की कार्यशैली पर इससे पहले भी कई बवाल हुए हैं। आलम ऐसा है कि अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल स्टाफ आम जनता की सुनने को तैयार नहीं। अगर कोई बोले तो रौबदार अंदाज में खरी खोटी सुनाने को तैयार रहते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर प्रधान संगठन अध्यक्ष दिनेश भजनियाल का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर लाचार व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा हुआ है। अब उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया तो अस्पताल में कई तरह की खामियां साफ देखने को नजर आई। अस्पताल मात्र एक रेफर सेंटर के रूप में जनता के लिए काम कर रहा है और अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर और स्टाफ नर्स का जनता के साथ दुर्व्यवहार के कई मामले समय समय पर भी उजागर होते रहते हैं, जो कि बेहद संवेदनशील है। और उन्होंने स्पष्ट और कड़े शब्दों में अस्पताल प्रबंधन को चेताया कि अगर व्यवस्थाएं शीघ्र दुरुस्त नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। पूरी घनसाली विधानसभा का एक बड़ी आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है और एकमात्र अस्पताल है यहाँ पर। इसकी भी स्थिति आप देखेंगे, इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने और हमने कई बार इसके लिए आंदोलन किए हैं, कई बार हमने यहाँ के जो ग्रुप एडमिन है इनसे वार्ता की है, लेकिन वो वार्ता विफल रही है और आज स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमने इसके लिए आज यहाँ के जो एडमिन है चंद्र गुप्ता जी, उनसे हमारी वार्ता हुई है और हमने कहा कि प्रत्येक साल हमारी वार्ता आपसे होती है, एडमिन आपके चेंज होते रहते हैं और स्थिति जस की तस बनी हुई है। अल्ट्रासाउंड तक इनका संचालित नहीं हो पा रहा है यहाँ पर विधिवत रूप से और यहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त है। अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा हमको नहीं मिल पा रही है। जो है CM साहब को पहले 2-3 महीने पहले कहा था कि इन PP मोड़ के हॉस्पिटलों को जो है वापस गवर्नमेंट में लिया जाए, लेकिन डबल इंजन की सरकार केवल मात्र डबल इंजन के नाम से ही इस तरह से चल रही है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये PP मोड़ का जो है इसको तुरंत हटाया जाए और जिसको इसको उत्तराखंड शासन द्वारा ही चलाया जाए। सर, रवैया के बारे में क्या कहना? रवैया तो यहाँ जो शुरू से गलत रवैया, यहाँ पे बहुत गलत काम होते हैं इस तरह से, यहाँ पे तो बहुत ही क्या बता सकते हैं, बहुत गलत है। यहाँ पे स्टाफ जो है मरीजों के साथ सही व्यवहार नहीं करता है, उल्टे काम यहाँ पे होते हैं, आप क्या बता सकते हैं। इतना ही बहुत है जो हमने इशारे ही कह दिया।
रामनगर में दापका और कोशी नदी से उपखनिज चुगान का कार्य पिछले हफ्ते शुरू कर दिया गया था। वहीं अब देहरादून से आई टीम ने उपखनिज निकासी का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। बता दें कि रामनगर की कोसी और दापका नदी में उपखनिज का कार्य जहां दापका में दो हफ्ते पूर्व, वहीं कोसी नदी में इसी हफ्ते से उपखनिज चुगान के कार्य को खनन कारोबारियों के लिए शुरू कर दिया गया था। वहीं विभाग द्वारा नदियों से उपखनिज का घन मीटर निर्धारित नहीं किया गया था। वहीं देहरादून से आई टीम ने कोसी और दापका नदी से खनन चुगान का घन मीटर तय कर दिया है। इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के DFO बलवंत सिंह शाही ने बताया कि कोसी नदी से इस वर्ष 6,31,000 घन मीटर और दापका नदी 1,67,000 घन मीटर की मात्रा निर्धारित की गई है। कोसी और दापका नदी में उपखनिजों की असेसमेंट रिपोर्ट आ गई है, जिसके अनुसार कोसी नदी में 4,55,000 घन मीटर और 64,000 घन मीटर दापका नदी में पिछले वर्ष निर्धारित मात्रा थी, जिसके सापेक्ष इस वर्ष कोसी नदी में 6,31,000 घन मीटर और दापका नदी में 1,67,000 घन मीटर उपखनिज की मात्रा निर्धारित की गई है। चमोली जिला सहकारी बैंक में सॉफ्टवेयर बदलने का कर्मचारी संगठन ने कड़ा विरोध करते हुए आंदोलन का ऐलान किया है, जिसके तहत 13 दिसंबर से आंदोलन शुरू कर दिया गया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि बैंक प्रबंधन ने अनुबंध वापस नहीं लिया तो 22 दिसंबर से कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर को सहकारी बैंक प्रयोग में ला रहा है जो कि बहुत ही घटिया गुणवत्ता का है। आखिर इसके पीछे क्या मंशा है, ये भी समझने वाली बात है। आखिर किस सेटिंग गेटिंग के तहत मजबूत सॉफ्टवेयर की बजाय घटिया सॉफ्टवेयर कर्मचारियों पर ला दिया गया है। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन उत्तरांचल चमोली यूनिट का कहना है कि प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS फिनेकल से काम होता है। इसकी उच्च स्तरीय गुणवत्ता और संतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हुए बैंक की प्रतिष्ठा व्यवसाय में अब इसकी जगह ऐसी कंपनी का सॉफ्टवेयर लाया जा रहा है जिसे बैंकिंग का कोई अनुभव नहीं है। 16 दिसंबर को देहरादून में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की विजय सम्मान रैली को सफल बनाने के लिए कर्णप्रयाग चमोली से कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून को रवाना हो गए हैं। भारी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पंवार के नेतृत्व में देहरादून रवाना हो गए। लोगों का कहना है कि भाजपा की तानाशाही सरकार से अब जनता परेशान हो चुकी है। बढ़ती महंगाई दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सहारा है। उन्हें विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में फिर से वापसी करके उनके अच्छे दिन उन्हें लौटा देगी। जो आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 1971 में स्वर्गीय हमारी नौ महिला और प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसमें पूरे देश के दो टुकड़े हो गए थे। बांग्लादेश अस्तित्व में आया, उसकी 50वीं वर्षगांठ है 16 दिसंबर को, और 71 में जो शामिल हुए थे सैनिक उनको सम्मान करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए और उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए हमारे युवा नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी देहरादून आ रहे हैं, और तमाम जो पूर्व सैनिक हैं उनके परिजन हैं जो 1971 की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया, वो सारे उनके परिजन आप देख रहे हैं किस प्रकार से राहुल जी को सुनने के लिए उनके अंदर उत्साह है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पर हमारे प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए देहरादून की ओर मुड़ रहा है, जबकि देहरादून यहाँ से बहुत दूर 250 किलोमीटर है, तब भी यहाँ पर कार्यकर्ता सुबह से यहाँ पर पहुँचे हैं और रात तक हम पहुँचेंगे देहरादून। हमारे जो रणबांकुरे 1971 की लड़ाई के थे उनके लिए सम्मान दिवस के रूप में आज का दिन हम अपने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देहरादून जा रहे हैं, और जो 71 की लड़ाई के बाद जितने भी सैनिक हमारे आज तक जीवित बचे हुए हैं उनका भी सम्मान हमने आज कल जाके देहरादून में करना है, ऐसा हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा निर्धारित किया गया है, और ये हमारे कार्यकर्ताओं का संगठन का कार्यक्रम है जिससे कि सारे जो हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनमें एक ऊर्जा का उत्साह इस रैली से होगा। विकासखंड मुंशियारी के नाचनी बाजार में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी के मैदान में तल्ला जौहर कल्याण संस्था की एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर जनार्दन पागती, पूर्व DG स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड, विशिष्ट अतिथि
सुप्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद सिंह मेहरा सहित नाचनी तल्ला जोहार क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। साथ ही तल्ला जोहार कल्याण संस्था के अध्यक्ष, महासचिव और कार्यकारिणी के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस आम सभा में तल्ला जोहार क्षेत्र की लगभग 45 आशा कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया, जिसको कोविड काल में उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों के लिए संख्या की ओर से सम्मानित किया गया। कालाडूंगी विधानसभा से प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में क्षेत्र से लगभग 500-600 कार्यकर्ता कल और आज देहरादून में विजय दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित रैली में शामिल होंगे। विजय दिवस ऐतिहासिक रैली को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कालाडूंगी विधानसभा से ही 5 दर्जन से अधिक गाड़ियां देहरादून जा रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस रैली के प्रति काफी उत्साह है। कांग्रेसी नेता महेश नेगी का कहना है कि ये दिन हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। हजारों हजार सैनिकों ने उस समय अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। आज आयोजित हो रही ऐतिहासिक रैली में शहीद सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वर्तमान सैनिकों को सम्मान दिया जाएगा और शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। विजय दिवस के रूप में ऐतिहासिक रैली का आयोजन देहरादून में होने जा रहा है। लाखों लोग इस रैली का हिस्सा होने जा रहे हैं। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 500-600 कार्यकर्ता है, 600 के करीब कार्यकर्ता आज और कल में देहरादून विजय दिवस के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी ने रैली रखी है उसको माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी संबोधित करने वाले। उसमें अभी हमारी यहाँ पर कम से कम 5 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो रही हैं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। और कल का दिन हमारे लिए एक वैसे भी ऐतिहासिक है। 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब हमारी प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान के अंदर घुस करके देश दुश्मन देश के 2 टुकड़े किए थे और हमारे हजारों हजार सैनिकों ने वहाँ पर जिस बहादुरी के साथ मुकाबला किया, कल उन बहादुर सैनिकों को पूरे देश के पूर्व सैनिकों को वर्तमान सैनिकों को नमन करने का दिन है। उनको जो हमारे बीच नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि देने का कल है दिन है। तो कल विजय दिवस के रूप में देहरादून में एक बहुत ऐतिहासिक रैली होने वाली है जिसमें लाखों लोग वहां पर एकत्रित होंगे। पूरा प्रदेश आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। पूरे प्रदेश के किसान, युवा, मजदूर, कर्मचारी वर्ग, हर वर्ग का व्यक्ति आज इसमें जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ है और सैकड़ों लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के दौरे प्रारंभ हो जाते हैं। इसी के चलते उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर पूरी ताकत झोंक रही है, जिसके चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कुमाऊं के दौरे पर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हल्द्वानी में 5वीं बार कुमाऊं के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे रानीलम मैदान हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उत्तराखंड के अंदर कोई नई घोषणा भी करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता समीर टीकू ने बताया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री 4 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें वे नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब प्रखर रूप से जनता की आवाज बन चुकी है और इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के सामने विकल्प के रूप में खड़ी है। शिक्षा क्रांति के जनक और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी 4 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर 16 दिसंबर को साय 5 बजे हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके उपरांत 17 दिसंबर को भवाली और अल्मोड़ा में और 18 दिसंबर को गरुण बागेश्वर में भी एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। 18 दिसंबर को कांडा गरुड़ में कार्यकर्ताओं से मिलने के उपरांत 19 दिसंबर को रुद्रपुर में एक व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी मनीष जी शामिल होंगे, जिसके उपरांत वो दिल्ली को प्रस्थान कर जाएंगे। विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली में कांग्रेस नेता बीरो खाल ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी ने नगर में विशाल रैली निकाल कर जनसभा का आयोजन किया। ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने जमकर लूटा है और महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है। विधानसभा चौबट्टा खाल में कांग्रेस की सरकार में ही सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए। आने वाले विधानसभा चुनाव में चौबट्टा खाल विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बनेगा और विकास कार्य दुगने गति से होगा। ये जो विजय संकल्प रैली है, इसमें हम लोग आज माननीय राहुल जी की रैली के लिए चौबट्टा खाल से बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे जा रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में बीरो खाल में हम लोग वहाँ पे जन जागरूकता अभियान चला के
वहाँ से हमारे बहुत से लोग आ रखे हैं, पोखरा से बहुत से लोग आ रखे हैं, AK100 से बहुत से लोग आ रखे हैं। चूँकि सतपुली हम लोग का एक बहुत बड़ा ये ग्रामीण कस्बा है, जो कि इसको कह सकते हैं कि हमारे चौबट्टाखाल विधानसभा का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे लोगों के बीच आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में उपस्थित हो रखे हैं कि राहुल जी की रैली को सफल बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देहरादून पहुँचे। हम सब लोग कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों से यहाँ पे कांग्रेस के विधायक नहीं है। आपको मालूम होगा कि विकास बुरी तरह प्रभावित हो रखा है पूरे विधानसभा में, चाहे हम बीरोखाल की बात करें, चाहे हम द्वारीखाल की बात करें, चाहे हम जहरीखाल की बात करें, चाहे हम एकेश्वर प्रखंड की बात करें, चाहे हम पाबो के जो हमारे 6 पोलिंग बूथ इसमें आते हैं, चाहे हम इधर से थलीसैंड ब्लॉक की बात करें जो भी हमारे पास हिस्सा आता है, पोखड़ा ब्लॉक की बात करेंगे, तो हर जगह सड़क, बिजली, पानी, स्कूलों की हालत ख़राब है, रोजगार के नाम पे कोई भी अभी तक यहाँ पे संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। माननीय विधायक जो यहाँ के हैं वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कमी है कि क्षेत्र में उनकी अनुपस्थितता जो रहती है वो देखने को मिलती है, कभी 8-8 महीने में, कभी 6-6 महीने में लोगों के बीच आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रार जनता और सरकार के बीच में पैदा हो रखी है। कांग्रेस पार्टी इसको पाटने का काम करेगी और भविष्य में मैं निश्चित रूप से दावेदारी कांग्रेस के लिए करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमान जिसको भी टिकट, जिसको भी उम्मीदवार घोषित करेगी, उसके लिए हम यहां पे पूरा प्रयास करेंगे और कांग्रेस का विधायक यहां से बनाने का काम करेंगे। विधानसभा चौबट्टाखाल के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली में कांग्रेस प्रत्याशियों की जोर आजमाइश जारी रही। वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव कविंद्र इस्टवाल और चौबट्टाखाल विधानसभा प्रभारी राजीव वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रैली निकाली। रैली के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने जोशीले अंदाज में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश सचिव कविंद्र इस्टवाल ने कहा कि भाजपा झूठे वादों की सरकार है, लेकिन अब जनता जान चुकी है और भाजपा का झूठ चरम पर है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देगी और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मान दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी द्वारा भी शहीद सैनिकों को सम्मान दिए जाने को लेकर सियासी गलियारों में हलचलें बढ़ गई हैं। साथ ही लोग इस मामले को सैनिकों पर राजनीति बता रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी से जब इस मामले को लेकर प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा से उनकी तुलना करना बेईमानी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सैनिकों का सम्मान करती आ रही है। दशोनी ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को भाजपा के कार्यक्रम से बहुत अलग बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भूमि को नमन करने के लिए और यहां के सैनिकों का सम्मान करने के लिए ही राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं। दशोनी ने भाजपा पर दूसरे के कार्यों का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया। देखिए, भाजपा से हमारी तुलना कतई बेमानी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आज नहीं, कल नहीं, भविष्य में नहीं, वर्तमान में नहीं, भूतकाल में भी आप देखिए तो हमेशा सैनिकों का सम्मान किया। और वो पहले धर्म की राजनीति किया करते थे, अब क्योंकि वो मुद्दा हाथ से सरक गया है तो अब उन्होंने सैन्य पराक्रम को लूटने का और उनके शौर्य को लूटने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो कल का आयोजन है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि 1971 की लड़ाई में भारत की सेना ने विजय पताका लहराई थी, पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की थी, और जिसको लौ महिला के नाम से पूरा विश्व जानता है, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में खड़े होकर दुर्गा स्वरूपा कहा था, उस इंदिरा गांधी ने जब विश्व का पूरा भूगोल बदलने का काम किया
पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण 1971 में किया, इसलिए उत्तराखंड के सैनिकों के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये सैन्य प्रधान भूमि है, यहाँ की भूमि को नमन करने के लिए, यहाँ के सैनिकों को सलाम करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ पर आगमन कर रहे हैं। विशुद्ध रूप से हमारा ये कार्यक्रम पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है और ये शायद इतिहास में पहली बार होगा राजनीतिक इतिहास में कि इतनी बड़ी रैली में, पब्लिक रैली में पूर्व सैनिक इतनी बड़ी संख्या में सम्मानित किए जाएंगे। तो दोनों ही केस बिल्कुल जुदा हैं, भिन्न हैं, हमारी कोई तुलना भाजपा से नहीं है। भाजपा झूठ का पुलिंदा है और भाजपा दूसरों के किए हुए कामों पर श्रेय लेने का काम करती है। कल उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में प्रदेश के बेरोजगारों द्वारा सचिवालय कूच किया गया। संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार का कहना है कि जिन बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए था, उत्तराखंड सरकार उन युवाओं को गिरफ्तार कर रही है, जबकि युवाओं ने अपनी तमाम 8 मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया था, जिनमें उत्तराखंड राज्य पुलिस विभाग के अंतर्गत सभी रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापित जारी किए जाने, सहायक लेखाकार परीक्षा में गूगल ट्रांसलेट से हुई बड़ी अनियमितताओं को देखते हुए परीक्षा रद्द कर पूर्ण परीक्षा आयोजित करने, पुलिस दरोगा भर्ती में कम से कम 3 वर्ष आयु सीमा की छूट देकर रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापित जारी करने आदि जैसी मांगे रखी गई हैं। कल पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन के समापन के दिन पुलिस महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था, अभिसूचना और सुरक्षा SDRF, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF ने अपने अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से शिकायत निवारण, यातायात प्रबंधन, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, ड्रग संबंध में किए जा रहे इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस कार्यों और भविष्य की कार्य योजना के संबंध में अपने विचार रखे, जिस पर विचार विमर्श और मंथन हुआ और पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिए। उत्तरकाशी जनपद के दशकी पट्टी के बनगांव के ग्रामीणों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। कल धरना स्थल पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य भंडारसियु, कनिष्ठ प्रमुख प्रतिनिधि राजेंद्र रांगड़, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, भाजपा के मंडल अध्यक्ष विजय बडोनी पहुंचे। इन सभी ने लंबित समस्या के निराकरण करवाने का भरोसा आंदोलनकारी ग्रामीणों को दिलाया। ग्रामीणों की बहुत पुरानी बहुचर्चित लंबित मांग मोटर मार्ग बनगांव चोपड़ा कसनाला वन विभाग की स्वीकृति के बिना लंबित है। वहीं कपराड़ा बनगांव मोटर मार्ग वर्ष 2007 में स्वीकृत हुआ था और आज तक विस्तारीकरण की DPR स्वीकृत नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त त्रिवेणी से पेड़ियानी मुरोगी बैंड जोड़ते हुए उड़खोला मोटर मार्ग का सर्वे वर्ष 2014 से आज तक न हो पाना लोक निर्माण विभाग के निकम्मे अधिकारियों और कर्मचारियों की नाकामी उजागर कर रहा है। वहीं ग्रामीण देहरादून वाई विकास नगर बनचोरा बनगांव कोटधार ब्रह्मखाल उत्तरकाशी के लिए और देहरादून मसूरी नैनगांव बनचोरा बनगांव ब्रह्मखाल होते हुए उत्तरकाशी के लिए एक रोडवेज बस सेवा की मांग कर रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी के जो चिनाट विकास खंड है, इसके सबसे सुदूरवर्ती गांव बनगांव, ये इसकी अपने सन 1975 से बनगांव चापड़ा कसलाना मोटर मार्ग की मांग है, जो आज तक पूरी नहीं हुई। हम कहाँ जी रहे ये नहीं मालूम। सरकारें कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, आज तक जब सन 75 से रोड की मांग पूरी नहीं, फॉरेस्ट लैंड का बहाना बना के इसको लिंगर राउंड कर दिया जाता, इससे हम लोग बहुत दुखी है। आज मैं धरना स्थल पर आया, मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, अपने CM के तीनों OSD माननीय OSD उनको सबको भेज दिया है और निश्चित रूप से मंडल अध्यक्ष जो यहाँ के हैं उनको भी मैंने बता दिया है कि एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो जो ग्रामीणों की प्रथम जो प्रायोरिटी है बनगांव कसलाना चापड़ा मोटर मार्ग की है। ये निश्चित रूप से मैं हाथ जोड़ के इनसे निवेदन किया है कि निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है CM साहब इसकी घोषणा करेंगे। आज मैं यहाँ पर बनगांव में कुछ लोग चोपड़ा कसलाना जो मोटर मार्ग है निर्माणाधीन मोटर मार्ग है स्वीकृत है, लेकिन उसको लेकर के शीघ्र निर्माण के लोगों का यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और अन्य कई समस्याएं इस क्षेत्र की हैं, उसको लेकर के मैंने इन प्रतिनिधिमंडल से जो धरने पर बैठे हैं उनसे मुलाकात की और जो जो समस्याएं हैं आप लोगों के द्वारा मुझे बताई गई हैं उसके समस्या के समाधान के लिए मैं पूरा प्रयास करूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय PWD मंत्री जी से और जहाँ जहाँ जिन अधिकारियों से मुझे बात करनी होगी इस कार्य के समाधान के लिए, उसके लिए मैं कार्य पूरी तरह से इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। ये धरने का हमारा 5वां दिन है और बड़ा खेद है कि 5 दिन के अंदर केवल एक नायब तहसीलदार और कानून के अलावा जो है कुछ अधिकारी जो चाहे DM है चाहे SDM है चाहे PWD के हैं कोई भी हमारे बीच नहीं आए।
बड़ा खेद है इस संबंध में, तो काम तो जब आए ही नहीं तो काम तो क्या करेंगे। आदरणीय चौहान जी ने जैसा बोला कि हम धरना वापस लेंगे, आपके सम्मान में धरना वापस लेंगे, लेकिन कम से कम अधिकारियों को भेजो तो सही। अधिकारी आएंगे, काम बताएंगे, क्या काम हुआ, कितना हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब तो इलेक्शन होने वाले हैं, तो जब हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों ऐसी धरी रहेगी तो हम कब बोलेंगे? कल के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ, कल के लिए, कल अधिकारी आ जाए तो हम माननीय चौहान जी के उसमें जो है धरना वापस ले लेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी, मेरा उत्तराखंड।